वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय का आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट में। और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं। काफ़ी दिन पहले आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि ऑफिशियल आप कभी भी वैकेंसीज अनाउंस हो सकती हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज, तो वही वैकेंसीज अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिनके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर एक वीडियो लेकर आए हैं। तो हम पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यहाँ पर 400 सीट्स हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व की 163, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 108, एससी की 59, एसटी की 30 और पीडब्ल्यूडी की 04 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं या तो आपके पास बीएससी हो या आपके पास डिग्री हो बीटेक की किसी भी ब्रांच के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी है आगे देख सकते हैं, और कैंडिडेट शैल बी हैव मिनिमम प्रोफेंसीज स्पीकिंग इन इंग्लिश 10+2 स्टैंडर्ड, मतलब इंग्लिश की इसको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाता, सिर्फ आपके पास बीटेक की डिग्री हो तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पर 27 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है, इसका भी आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी आगे चलते हैं, फटाफट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। 60% आपके मार्क्स होना कंपलसरी है बीटेक के अंदर, आपके पास 60% मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 14/7 से पहले पहले आपकी एज 27 ईयर से कम होनी चाहिए। और बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे कि अदर कुछ जैसे एक्स सर्विस मैन वगैरह होते हैं, या फिर आपके कैंडिडेट हो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट ही हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए या फिर एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। 15/6 से लेकर 14/7 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव 40,000 से 3% और 1,40,000 का यहाँ पर आपका बेसिक रहेगा, यानी आपका यहाँ पर टोटल आपका जो रहेगा जो कि आपके बेसिक बेसिक पे DNS अलाइंस पर्क्स और ये एट द रेट 35% ऑफ द बेसिक पे आपको, मतलब ये सब मिला के आपको टोटल 35% बेसिक पे का आपका मिलेगा जितने भी आपके अलाउंसेज हैं। तो इस तरीके से आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी, अप्रॉक्स 12 लाख के आसपास आपका यहाँ पे देख सकते हैं CTC जो आपका हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपये महीना मान सकते हैं कटकटा के। बाकी अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो वही सब आप इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी कोई भी मतलब किसी तरीके का केस वगैरह नहीं होना चाहिए और ये सब चीज़ें जो भी इसमें नॉर्मल होती हैं, और आपके पास सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए। अब यहाँ देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर दैट ही शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। फर्निशिंग ऑफ वर्क फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन एंड AII विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्निशिंग सच रॉन्ग फॉल्स। मतलब आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल ऑल्सो अटेंड ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफेंसी लेवल 4 ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस ऑन और रेटिंग। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट लाइव और नॉट एबल टू अटेंड ICAO प्रोफेंसी लेवल 4 और अबव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हिज सर्विस आर लाइबल टू टर्मिनेटेड। मतलब आपको ICAO लैंग्वेज का मिनिमम 4 लेवल को आपका यहाँ पर जो होना चाहिए आपका रेटिंग। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्निश्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड शैल बी इशूड टू दैम अकॉर्डिंगली। द एडमिट कार्ड ऑन द अलाइक विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आई डी पर आपको ईमेल मिलेगा। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, वॉइस टेस्ट, बैकग्राउंड वेरीफिकेशन। कैंडिडेट विल ऑल्सो भी टेस्टेड फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंस बिफोर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे यहाँ पे टेस्ट होंगे जो कि अलग अलग हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। बाकी देख सकेंगे कैंडिडेट विल बी शॉर्टेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन या वॉइस टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। बाकी रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आपके शॉर्टलिस्ट के मिलेंगे और वॉइस टेस्ट के लिए आपको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको कॉल आउट किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे आगे देखेंगे तो जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहाँ पर आपको NOC लेकर ही यहाँ पे फॉर्म को फिल करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट को, इसके बारे में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बता देना जरूरी रहता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने बता दी, और जो भी आपके देखिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो उनको 3 साल का यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा जो 7 लाख रुपीज़ का होगा, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। यानी आप 3 साल से पहले को जॉब को छोड़ते हैं तो 7 लाख रुपए का आपको बॉन्ड यहाँ पर जो है भरना पड़ सकता है। बाकी कंपनी के अपने रूल्स होते हैं वो आपको वहाँ जाकर पता चलेंगे। और देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो प्रोविजनल है, मतलब ये तो हर जगह ही रहता है कि प्रोविजनल ही सिलेक्शन है, कहीं भी आपका परमानेंट नहीं लिखते हैं। बाकी देख सकते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा आपको कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है ऑल इंडिया के अंदर। और इसका पेपर क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका आपको पेपर भी दिखाऊंगा आगे के जो भी टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मिसकंडक्ट अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप लोग को गलत नहीं करना
चाहिए। बाकी देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी और अपना नाम वगैरह सही डाल के आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हैं वैसे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये यहाँ पे आपकी फीस रखी गई है और एस सी एस टी फीमेल के लिए यहाँ पे 81 रुपीज़ यहाँ पे आपका फीस रखी गई है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म को फिल कर दें और जो ऑनलाइन आपका फॉर्म की फीस पेमेंट हो जाएगी। बाकी फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह आपके जो है नॉर्मल साइज जैसे कि सभी फॉर्म में लगता वही आपका लगेगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट सभी में दिया रहता है कि आपको कोई भी आने जाने का मतलब नहीं मिलेगा। बाकी जो भी है आपकी मतलब सारी इंपॉर्टेंट वही जनरल चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक लेटेस्ट अपडेट थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका काफ़ी सारे कैंडिडेट को काफ़ी समय से वेट था, काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी हैं। 400 वैकेंसी की अच्छी वैकेंसीज मानी जा सकती हैं, जो इसमें आप आसानी से फाइट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो और अपडेट पसंद आई। वीडियो अपडेट पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल का बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।